जय माता दी। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ब्यूटी स्पिरिचुअल पर। आप सभी को गणपति जी स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखते हैं जल तत्व जो है कर्क, वृश्चिक, मीन। आपके लिए जो ये 3 मंथ है वो कैसा रहेगा हम देखते हैं। जनरल रीडिंग है तो जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कुछ लोग कॉल करते हैं, कॉल ना करें, व्हाट्सएप कीजिए। अपना नाम, पूरा क्या काम करते हैं, क्या आपको पूछना है, ये सारी चीज़ें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और किस तरीके से प्रोसेस है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं जो है कर्क, वृश्चिक, मीन। बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम जैसे सभी तत्वों का करते आए हैं। नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में है आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड। तो आप में से कुछ लोग या तो हीलिंग सीखने के बारे में सोच सकते हैं, आप में से कुछ लोग भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हो सकते हैं, आप उनका पूजन करते हैं, आपके ऊपर उनकी असीम कृपा है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे रीडिंग के पहले भी थोड़ा सा स्टकनेस फील हुआ, तो हो सकता है इस बीच में आपको किसी कार्य में, किसी भी स्थिति में आपको थोड़ा सा स्टकनेस फील हुआ होगा। और आप जैसे जल तत्व के हैं, है ना, तो जो जल तत्व के होते हैं इमोशनली थोड़ा सा आपके लाइफ में थोड़ा डिसबैलेंस चल रहा होगा, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। आप में से कुछ लोग थोड़े ज़्यादा इमोशन फील कर पा रहे होंगे अभी, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। सबसे पहले तो आपके लाइफ में जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में आप रहिए, पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं आपके बारे में क्या है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कर्क राशि वाले हैं आपके फैमिली में ही, आपके फैमिली मेंबर से ही आपको काफ़ी पैम्परिंग मिलती है। आपके फैमिली मेंबर में ही कोई ऐसे पर्सन है जो आपको समझते हैं, वो आपकी सोल फैमिली हो सकते हैं, ठीक है। आप अभी कुछ समय से ऐसा फील कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तीर्थ यात्रा पर, कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पर आप जाना चाहते हैं। खास तौर पर आप श्री राधे कृष्ण जी को काफ़ी मानते हैं, श्री राधे कृष्ण जी का पूजन करते हैं, आपको करना भी चाहिए। आपके लिए विशेष रूप से आ रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्टकनेस फील हो रहा है अपने पर्सनल लाइफ में। आपको मधुराष्टक पाठ या तो सुनना चाहिए या आपको करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी अपने सोल कनेक्शन के साथ हैं, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। दूसरी बात, ऐसा लग रहा है कि आप किसी से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं पर आप यहाँ पर भी स्टक हैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्टकनेस महसूस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में आपके लिए क्या है। तो देखिए प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है जो कर्क राशि वाले, वो ज़्यादा अपने आप को ना स्पिरिचुअल उनको फील हो रहा है कि वो पहले से और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। उनको मेडिटेट करना अच्छा लग रहा है, या मेडिटेशन सुनना अच्छा लग रहा है, या कोई ऐसा स्पिरिचुअल वर्क जैसे टैरो कार्ड रीडिंग देखना, या हीलिंग के बारे में सुनना, या जैसे कुछ ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना, मतलब उनको ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो उनके लाइफ में जो पहले नहीं करते थे, अब उनको ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा। तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपकी अवेकनिंग यहाँ पर चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है आपके लिए कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि निगेटिव थाट, निगेटिविटी को अपने लाइफ से पूरी तरीके से आपको रिमूव करना है। आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करना है, तभी आपके माइंड से, आपके लाइफ से, आपके पास्ट की जो मेमोरी है वो आपके माइंड में, जो निगेटिविटी आपको बार बार लाती है कि इसने मुझे ऐसा कहा, इसने, ये सारी निगेटिव थाट है, इसे आपको हटाने के लिए कहा जा रहा है। 9 नंबर है तो कहीं ना कहीं मंगल देव जी की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जिससे कि आपको क्रोध भी आ रहा होगा या काफ़ी डिसबैलेंस आपको फील हो रहा होगा अभी। तो आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, खासतौर पर मंगलवार को, सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ। फिर मुझे ऐसा लग रहा है मीन राशि वालों के लिए, कुछ लंबे समय से आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो है कि कुछ समाप्ति हुई है आपके लाइफ में। ऐसा लग रहा है किसी के लिए उनके पर्सनल लाइफ में किसी से आपकी बात नहीं हो रही है, या
प्रोफेशनल लाइफ में आप कोई कुछ बिल्ड कर रहे थे, कुछ कार्य कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आया है, तो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रेजेंट में जो ये टावर मूवमेंट है एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। ये जब ये सारी चीज़ें जब आपके लाइफ से मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है जो आपके लिए न्यू बिगनिंग है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो। और अब कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, आपको इसका ज्ञान होगा और पूरी अच्छे तरीके से आध्यात्मिक यात्रा में आप कौन से पड़ाव पर हैं इसका ज्ञान आपको आने वाले समय में होने वाला है। प्रेजेंट में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे इसके बारे में। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कर्क वृश्चिक मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर के मंथ में आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सनालिटी हैं, सबसे पहले तो जो काफ़ी विनम्र है, काफ़ी पोलाइट हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपको भाव से आत्मा से सोल से इसकी जानकारी होगी कि ये जो पर्सनालिटी है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो द स्टार का कार्ड मुझे जो फील आ रहा है वो एक लक का आ रहा है। ठीक है, ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, या आपके फैमिली मेंबर में से भी कोई हो सकते हैं या कोई आउटसाइड, लेकिन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं इस वक्त, ये वही है जो आपको जिनसे बात करके एक मार्गदर्शन मिलता होगा, आपको अपने लाइफ के बारे में मोटिवेशन मिलता होगा, तो ये वही पर्सनालिटी है। अक्टूबर के मंथ में आपकी मुलाकात या बात इन पर्सन से हो सकती है। दूसरी बात, आप काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल ग्रोथ में। यहाँ पर अक्टूबर के मंथ में मुझे काफ़ी बैलेंस होते हुए आप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 17 तारीख, 26 तारीख, 18 तारीख किसी न किसी के लिए किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंस यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए, जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप इमोशनली काफ़ी डिसबैलेंस फील करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें, देखिए कभी कभी हमसे कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी पर्सन को समझने में, तो यही चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर लग रहा है कर्क वृश्चिक मीन राशि वालों के लिए किसी को समझने में आपसे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको आप क्लियर करेंगे अक्टूबर के मंथ में, और आपका जो सोल है वो अच्छे से आपको बताएगा। जब आपका सोल जो मतलब जो हम कहते हैं ना कि इनर वॉइस, आपका जो अंतर आत्मा है, अंतर मन है, वो आपको पूरी तरीके से गाइडेंस करता है कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसा लोग आपसे कहते हैं या जैसा आपका माइंड आपसे करता है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी है हमारे इनर ही रहते हैं, हमारे अंदर ही रहता है, तो हमारे आंतरिक मन जो है ना वो आपको इस वक्त में गाइड करेंगे। तो आप अपने अंतर मन की आवाज़ ज़रूर सुनिए और पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। ठीक है, अब देखिए नवंबर के मंथ में कुछ ऐसी हैबिट्स है आपकी, जैसे क्रोध करना मुझे आ रहा था यहाँ पर, है ना, तो आप में से कुछ लोगों को ज़्यादा क्रोध करने की यहाँ पर आदत होगी, किसी भी प्रकार की ऐसी हैबिट्स हम कह सकते हैं जिसे आप खुद ही समझ पाते हैं, किसी और को बताने का और किसी और को बोलने का यहाँ पर नहीं लगता मुझे, लेकिन जो हैबिट्स है उसे आपको छोड़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। नवंबर के मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद ही स्टक करके रखी हुई है, ये आपके आप जब सोचेंगे ना डीप लेवल पर आपको समझ में आएगा, हाँ मैं बहुत ज़्यादा क्रोध करती हूँ, क्रोध करता हूँ, उस वक्त में मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ जिस वक्त में मुझे नहीं करना चाहिए, या मैं मुझे कभी किसी के पीछे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जो कुछ भी बात है सामने क्लियर करना चाहिए। कभी भी किसी के पीछे में अगर आप बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक गॉसिप के रूप में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, आप किसी से क्या बात कर रहे हैं और कोई व्यक्ति किसी और के पास जाकर क्या कह रहे हैं, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप नवंबर के मंथ में आपको खुद ही ये फील होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में मुझे लग रहा है कर्क राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए कुछ निगेटिविटी आप फील कर रहे हैं, जिसमें आप किसी का मार्गदर्शन लेंगे और आपको क्लियर समझ में आएगा और आप उस निगेटिविटी से बहुत ही सरलता से बाहर निकलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि मेजर कार्ड है। फिर हम देखते हैं दिसंबर के मंथ में आपके लिए जजमेंट। तो दिसंबर के मंथ में ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप किसी अपने किसी कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस कार्य को करने का आप बहुत समय से विलंब हो रहा है, बहुत समय से जो ये चीज़ें हैं जो हो नहीं पा रही है, वो सारी चीज़ें वन बाय वन मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में आएंगी और आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि 10-10 की एनर्जी है। कुछ कुछ
समाप्ति की यहाँ पर नजर आ रहा है और कुछ न्यू बिगनिंग हो रहा है। तो आपके लाइफ में मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ समाप्त होगा और कुछ यहाँ पर जो है स्टार्ट होगा। अब हम आपके लिए यहाँ पर टैरो कार्ड से भी देखेंगे तीनों मंथ के लिए। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर इंडियन सेक्रेट टैरो डेक से जो होता है मेजर कार्ड, जिसमें लंबे समय तक के लिए रहता है, जैसे कि हम 3 मंथ के लिए देख रहे हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पर आपके लिए टैरो कार्ड से। तो आप प्रणाम कर लीजिए। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप माता जी के भक्त हैं और आपको माँ काली माता जी का मंत्र सेंट करना चाहिए, खास तौर पर नवंबर के मंथ में। तो देखिए हम अक्टूबर, हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। जो जिन पर्सन के बारे में आप सोचते हैं वो काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है ना, जिनके बारे में आप अनुभव करते हैं कि हो सकता है कि आपने गलती से उनको गलत समझ लिया हो या गलती से आपने उनको कुछ कह दिया हो। अवेयरनेस वो कर रहे थे आपके लाइफ में, आपको मार्गदर्शन कर रहे थे, आपका मार्गदर्शन कर रहे थे, आपको अवेयर करवा रहे थे बहुत सारी चीज़ों से, आपके खुद के इनर सेल्फ से आपको मिलवा सकते हैं ये पर्सन। तो बिल्कुल अगर हो सके तो आप बिल्कुल अपनी भूल को सुधारिए, क्योंकि ये जो लोग हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं और यहाँ पर एक्सपीरियंस से आप अनुभव भी कर पाएंगे। इस 3 मंथ में आप ये अनुभव कर पाएंगे कि ये जो पर्सन है आप जैसा सोचते हैं वैसे नहीं है, ये काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है। और ये आपके लिए क्या किसी के लिए भी ये गलत नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड काफ़ी पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहे हैं, क्रिएटिविटी का और एक है जो आपके लिए स्टार का है ना। तो वो और ये हो भी हो, ये भी हो सकता है कि आप किसी को काफ़ी पसंद करते हो, वो काफ़ी एक स्टार की तरह हो, लोग भी उनको पसंद करते हो, लेकिन थोड़ी सी जेलसी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ ऐसी बातें हुई हो जिसे आपको समाप्त करना है ना। नवंबर के मंथ में देखिए इन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए, ये जो भी ऐसी हैबिट्स है आपके लाइफ में उसे छोड़ने के लिए आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा करेज करना होगा, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करना होगा। जो भी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में स्ट्रेस लाती है, जैसे क्रोध है या जो भी ऐसी चीज़ें जिसे आपको छोड़ना है ना, वो सारी चीज़ें जैसे बातें छुपाना या बहुत ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है अगर आप मनी की बचत करते हैं अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वैसी स्थिति आ रही है कि आप खर्च ही नहीं करते, बिल्कुल कम खर्च करते, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है, संभावनाएं हैं कि आपके लाइफ में नवंबर के मंथ में आप कुछ लेना चाहते हो, आप कुछ लाना चाहते हो अपने घर में, लेकिन आप सोच रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंस है तो आपको बिल्कुल किसी से सलाह लेके अपने घर परिवार के बड़े सदस्यों से आपको बिल्कुल करना चाहिए। और जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर जैसे कार्ड्स आए हैं वैसे ही इसमें भी आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना आपको ही स्ट्रेस पहुंचाती है, जो क्रोध है, जो बिना बात के, जो आप हो सकता है कि बिना बात के आप किसी को समझ नहीं पाते हो, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिना बात के रिप्लाई करना या बिना समझे सोचे समझे किसी बात का निष्कर्ष निकाले ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं तो नवंबर का मंथ भी 1 वीक के बाद आप फील करेंगे काफ़ी पॉजिटिव आपको लग रहा है। अब हम देखते हैं दिसंबर के मंथ में आप काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हैं। देखिए निगेटिव थॉट को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हमने देखा नवंबर के मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। निगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को भी छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप किसी से दूर हैं है ना, खास तौर पर लग रहा है मुझे यहाँ पर कर्क वृश्चिक मीन तीनों के लिए लग रहा है कि आप किसी को काफ़ी याद कर रहे हैं, आप किसी से दूर हैं है ना, और ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि निगेटिविटी की वजह से है या आपके खुद के मिसअंडरस्टूड आपने किया है जिसकी वजह से आप काफ़ी सौरों में हैं, या आपने किसी के तरफ ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ बोल दिया है जिसके वजह से आपका जो मन है वो आपको कहीं ना कहीं कह रहा है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है, या आपके लिए किसी ने कहा था उनको ये चीज़ फील हो रहा है, ठीक है। वायस वर्सा मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी लग रहा है ये, और आपके जिसकी वजह से ना आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में थोड़ा सा यहाँ पर आप रुकावट फील कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे मीन राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ये जो आप काफ़ी दबाव महसूस करें, काफ़ी बर्डन महसूस करें, या आप किसी से बात करके ये सारे जो अपने मन की जो बातें हैं ना
वो आप किसी ऐसे पर्सन से ही करेंगे जो आपकी बातों को समझ सकें। और अगर आपको कोई भी ऐसे पर्सन नज़र नहीं आते अभी, तो आपको पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहना है, पूरी तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जब सिचुएशन ऐसा हो, है ना, तो भी हमें काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए, काफ़ी कूल रहना चाहिए, काफ़ी साइलेंट, मतलब अपने में ही रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हीलिंग कीजिए, हील करने वाला जो म्यूज़िक है वो सुनिए, कंडीशनिंग चल रहा है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है। तो देखिए, ये आप लोगों के लिए 3 मंथ के लिए जो है जनरल रीडिंग थी। अब हम देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या रहा है, डिवाइन गाइडेंस जल तत्व वालों के लिए। जैसे मुझे एनर्जी स्टकनेस की और इनबैलेंस की फील हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आए हैं। तो देखिए, आपके जैसे कि आ ही रहा था कि जो ये पर्सन है, जो ये लोग हैं, वो आपके सोल फैमिली के मेंबर हो सकते हैं जिनको आप समझ नहीं पाए, क्योंकि आपने धारणाएं बनाई, जो भी धारणाएं आपने बनाई है इनके लिए, वो बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये काफ़ी पॉजिटिव व्यक्ति हैं, काफ़ी पॉजिटिव लोग हैं आपके लिए, और ये चीज़ें आपने इनके साथ रहते हुए फील भी किया है। कभी ना कभी आप इनके साथ रहे, कभी ना कभी आप इनसे बातचीत किए हैं जिनसे आपको काफ़ी अच्छा फील हुआ है, तो ये वो लोग हैं। बिल्कुल आपको इनके साथ होम के जैसा, घर के जैसा फील होता है, या कोई घर के मेंबर भी हो सकते हैं। आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा समय क्विट टाइम कीजिए, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए, साधनाएं अगर आप कर सकते हैं, हीलर हैं तो ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप भजन सुनिए, और काफ़ी शांत मन से सुनिए, मतलब कुछ सोचते हुए मत सुनिए। कुछ सोचते हुए सुनेंगे ना तो फिर वही सारी चीज़ें मतलब माइंड में वो सारी चीज़ें चलते रहती है ना, तो फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं, काफ़ी पीस महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए वाटर हीलिंग भी आ रहा है, तो आप वाटर हीलिंग मेडिटेशन म्यूजिक लगा कर भी आप सुन सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, उम्मीद है आपको ये मार्गदर्शन मिला हो, और मार्गदर्शन मिला हो तो ज़रूर आप इसमें से जो भी गाइडेंस आपको लगता है कि आपके लिए है वो आप रख लीजिएगा, जो आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, दूसरों के लिए होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज में मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल रिसीव नहीं हो पाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो तत्व के अनुसार जो राशिफल आया है वो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिला हो। और अगर आप इसे कंटिन्यू देखना चाहते हैं तब हम यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी मेहनत जैसे कि मैंने कहा लगता है, तो तब हम राशिफल यहाँ पर इंडिविजुअल लाने की पूरी कोशिश करेंगे। टेक केयर।